अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर लोग, यानी अफगानिस्तान के कोने कोने से लोग विज़िट करने आते हैं। अगर मैं यहाँ के नाम के बारे में बताता चलूँ, यहाँ को मज़ार शरीफ कहा जाता है, यानी ये जगह जो है ना मज़ार शरीफ के नाम से बहुत फेमस है। जैसे कि आप वीडियो में सामने देख सकते हैं, ये जो जगह है विज़िटर, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग विज़िट करने आते हैं। बेसिकली ये जगह बहुत बड़ी है, तो इसका जो मेन रास्ता है यहाँ से हम लोग आए हैं। तो अभी यहाँ से हम घूमेंगे, आपको भी थोड़ा दिखाएंगे। मेन जो जगह है वो ये है, यहाँ से एंट्री, आपको बाद में यहाँ अंदर का विज़िट भी कराएंगे। ये बेसिकली वो थोड़ा सा आगे जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, वजह से कि अगर कबूतरों को कोई दाना शाना डालना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, यानी दाना शाना डालते हैं कबूतरों को। एंड बाकी यहाँ पे जो है ना गेट है यहाँ पर, यहाँ से आप जूते उतार कर अंदर की तरफ जाएंगे तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना जूते अलाउ नहीं है, जूते उतार कर आप लोग घूम फिर सकते हैं। अभी मैं अभी यहाँ बाहर हूँ और थोड़ी यहाँ से राउंड लगाने के बाद जो है ना अंदर का विज़िट भी करने जा रहा हूँ। तो आइए थोड़ा सा आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर यहाँ का मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये जो जगह है ना मज़ार शरीफ, पाकिस्तान में फैसल मस्जिद है, लुक लाइक ऐसा ही है पाकिस्तान की फैसल मस्जिद की तरह, ये अफगानिस्तान का जो है ना मज़ार शरीफ है, मज़ार शरीफ के नाम से जाना जाता है ये जगह। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, तो वहाँ पर जो है ना जूती जमा कराएंगे और उसके बाद ही अंदर जाएंगे। तो अभी मैं जूती उतार के अंदर आ चुका हूँ। ये अंदर का व्यू है, लुक लाएगा फैसल मस्जिद जो पाकिस्तान में है, उसी तरह ये अफगानिस्तान का फेमस मज़ार शरीफ है, यहाँ पर लोग दूर दूर से विज़िट करने आते हैं। ये अंदर का व्यू है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा एरिया है। अंदर आने के चारों तरफ से गेट बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, ये रास्ता है एंड एक वो रास्ता है इधर से हम आए थे, एंड एक उस साइड है एंड उसके बैक साइड पे भी है। तो यहाँ पे सेल्फी भी अलाउ है, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। एंड यहाँ पर ये बच्चा, इससे जो है ना वज़न तोलते हैं, यानी अपना वेट नाप सकते हैं। अभी अंदर आपको दिखाते हैं। फाइनली ये है अंदर का व्यू, मज़ार सिटी, मज़ार शरीफ अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। शुक्र है अंदर मोबाइल अलाउ है, मुझे लगा यहाँ पे मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं होगा। साइड पे कुरान पाक की तिलावत हो रही है एंड यहाँ पे ये तालिबान भाई साहब। तो मज़ार अंदर से कुछ इस तरह है। लोग यहाँ पे दुआ भी मांग रहे हैं। मज़ार अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो अभी आगे आपको गेट वो आगे।
तो ये था मज़ार के अंदर का व्यू एंड अभी मैं बाहर आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं आया था तो ये है बाहर का व्यू। मज़ार बाहर से कुछ इस तरह दिखता है एंड अभी हम जा रहे हैं बाहर एग्जिट होने के लिए। वो सामने एग्जिट गेट है तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे या शायद यहाँ से जाना पड़े दूसरे एग्जिट गेट पे। तो इस साइड पे एग्जिट गेट से पहले मुझे दिखा यहाँ पर जो है ना डग्स, बहुत सारे डग जो कि यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इसके अलावा कबूतर भी है बहुत सारे एंड ये जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर डग जो है ना तैर रहे हैं। जो तैर रहे हैं वो कलर वाले हैं एंड ये साइड पे जो है ना वाइट एंड इस साइड पे बहुत सारे कबूतर। इसका गेट वहाँ से रास्ता, इसका रास्ता वहाँ से है, वहाँ से होते हुए जाएंगे उस साइड पे। फाइनली पहुँच गए हैं कबूतरों वाली जगह पे। तो गाइस ये है वो कबूतर, इसे देखने के लिए विजिटर बहुत दूर दूर से आते हैं एंड ये जो कबूतर है ना यहाँ के रौनक में चार चांद लगा देता है। ये दिन के टाइम कबूतर यहाँ होते हैं और उसके बाद अगर रात अंधेरा होने के बाद जो है ना यहाँ पर इनका घर बना हुआ है। ये जो है घर भी आपको दिखा देते हैं, बहुत सारे हैं। तो गाइस ये था ब्यूटीफुल मज़ार और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं विजिट करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।